नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेंद्र। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मंगल कल्याण आवासम। सभी प्रकार के उपद्रवों को हरण करने के लिए प्रभु प्रार्थना परमात्मा की साधना विशिष्ट रूप से फलदायी है, और वो साधना को आप आपके जीवन के अंदर कैसे कर सकते हैं, कैसे गुणों को आकर्षित कर सकते हैं, कैसे धन को आकर्षित कर सकते हैं, कैसे आप अच्छे रिलेशन को बना सकते हैं, उनको डिटेल में प्रैक्टिकल दिखाने के लिए आज हमारे सामने ज्ञान योगी, मंत्र योगी, पूज्य गुरुदेव महावीर विजय जी महाराज साहब जी विराजमान है, जो आपके सारे प्रश्नों का समाधान आज ही लाइव के अंदर करने वाले हैं। और डिटेल से इस दिवाली से अगली दिवाली तक 2025 प्रत्येक सृष्टि के मानव मात्र के लिए कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो, एस्ट्रोलॉजिकल, वास्तु, ओकल साइंस, हीलिंग के अंदर कैसे अपने आप को एक बड़े लेवल के ऊपर आप आगे लेके जा सकते हैं। सभी लोग भाव से, श्रद्धा से गुरुदेव आपको मथे वंदामी कर रहे हैं। चयन गुरुदेव अनुष्ठान की लाखों जनता आज आपको वंदना कर रही है, और अपने जीवन के अंदर पोष दशमी भी आ रही है, तो कैसे प्रभु प्रार्थना परमात्मा की आराधना साधना। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये गुरुदेव ने विश्व भर के हजारों ज्ञान भंडारों को देखा है, समझा है, संशोधन किया है, और आज विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी के रचनाकार, क्रिएटर और मार्गदर्शक पूज्य गुरुदेव आप हो, क्योंकि पूज्य गुरुदेव का सारा ज्ञान भंडार का पुस्तक आज अदाणी शांतिग्राम में विद्यमान है। तो गुरुदेव, प्रार्थना प्रभु की ऐसी क्या साधना करें कि जिससे जीवन की बहुत सारी समस्या दूर हो। हमारे यहाँ 24 तीर्थंकरों में मुख्यतया जब भी हम कोई मंत्र साधना करते हैं या हमारी इहलौकिक या पारलौकिक सिद्धि के लिए कोई साधना करते हैं तो अधिकतर पार्श्वनाथ परमात्मा की आराधना करते हैं। और 24 तीर्थंकरों में सबसे अधिक अगर मंत्र पाए जाते हों तो वह पार्श्वनाथ परमात्मा से संबंधित मंत्र पाए जाते हैं। यानी पार्श्वनाथ परमात्मा मंत्र साधना के लिए जी और उसको करने वाले उपासक साधक के लिए बहुत ही उत्तम फलदायी हैं। जी उनका प्रभाव मंत्र साधक के ऊपर बहुत ही शीघ्रता से पड़ता है, क्योंकि साक्षात मंत्र सिद्धि का अगर कोई आलंबन देखना हो तो वह जी पार्श्वनाथ परमात्मा है। कैसे? हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में साधक की साधना पूर्णता को प्राप्त हुई है उसका क्या फल है जी तो बताया जाता है, जब कोई व्यक्ति साधना में अपने उच्चतम स्थान को प्राप्त करता है तो उसकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। वाह, तो आप देखेंगे ये जो पार्श्वनाथ परमात्मा के ऊपर जो सर्प का आकार दिया गया है जी, तो वो साधना का जो उच्च लेवल यानी जो कुंडलिनी जागृत और कुंडलिनी का आकार भी बताया है कि वह सर्प की आकृति वाला होता आकृति है। वाला होता है। तो पार्श्वनाथ परमात्मा साधक के लिए पूर्णतया एक आलंबन रूप है। जी तो साधना की उच्चतम दशा तक पहुंचाने वाला अगर कोई हो माध्यम तो वो पार्श्वनाथ परमात्मा है। तो हमारे पूर्वाचार्यों ने वसग्गरम जैसे स्तोत्रों को देख लो, अन्य भी कई स्तोत्रों को देख लीजिए, तो जी पार्श्वनाथ परमात्मा के ऊपर अधिक भार दिया गया है। तो पार्श्वनाथ परमात्मा का ध्यान करने से, उनकी उपासना करने से और उनके कई मंत्र जाप हैं, जी उसमें हमारे सामने जिसका हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं वह सघर्म स्तोत्र, और जिसकी कई किंवदंतियां हैं, कई उसके जो दृष्टांत हैं वो हमारे पास आज भी उपलब्ध हैं कि कैसे उस वह सघर्म स्तोत्र के अंदर बीजाक्षरों को डाला गया, मंत्रों को डाला गया और उसके प्रभाव से देवताओं को भी अपना सब कुछ छोड़कर इस पृथ्वी तल आकर्षित पर आ जाना पड़ता था। तो इतना साक्षात प्रभाव, और आज भी हम देखते हैं तो शंखेश्वर पार्श्वनाथ परमात्मा, जीरावाला पार्श्वनाथ परमात्मा और भी ऐसे उनके अन्य कितने भी ऐसे जो नाम हैं उनकी जो आराधना साधना उनका जप करता है तो साक्षात फल उस साधक के जीवन में हमें दिखाई देता है। दिखाई देता है। हाँ तो वह सगरम की साधना विशेष लाभदायी है सामान्य मनुष्यों के लिए। हाँ वसग्गरम स्तोत्र की अगर साधना करते हैं वो भी विशेष फलदायी है। इसके अलावा वसग्गरम और नमेण स्तोत्र जी वो भी बहुत ही उत्तम फलदायी है। नमेण स्तोत्र का भी जो सार है, जी जैसे ओम रीम अरहम नमि उण पास विसहर वसह जिण फुलिंग रीम श्रीम अरहम नमः अतत रीम नमः, इस तरह से कई चिंतामणि मंत्र बीजाक्षरी अष्टाक्षर अष्टादशाक्षरी
एकादशाक्षरी, ऐसे ऐसे अलग अलग जो है अक्षरों का ध्यान उस मंत्र के द्वारा किया जाता है, तो वो भी विशिष्ट रूप से फलदायी होता है। सामान्य साधक, लोगों को। हाँ साधक हाँ उसकी आराधना साधना करता है और अपने जीवन में उसका उसे फल का अनुभव होता है। गुरुदेव, यहाँ पर एक और प्रश्न आ रहा है कि वह सगरम स्तोत्र कितनी गाथा का है? अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग दिखाई देता है, तो कितनी गाथा का वह सगरम, और उसमें कौन सा वह सगरम का विशेष लाभ ले? वैसे तो वसग्गरम स्तोत्र का ऐसा बताया गया है कि 27 गाथा का भी मिलता है, जी 21 गाथा का भी मिलता है, 17 गाथा का भी मिलता है, 11 गाथा का भी मिलता है, 9 गाथा का भी मिलता है, 7 गाथा का भी मिलता है, लेकिन वर्तमान में जी जो प्रचलित है वो हमारी 5 गाथा का वसग्गरम स्तोत्र प्रचलित है। क्योंकि स्वाभाविक है कि बताया गया कि साक्षात देवता अपने देवलोक से वहाँ हाजिर हो जाते थे, जी तो वो ना आए लेकिन फिर भी अपना प्रभाव बताए, तो मंत्र के जो निर्माता थे उन्होंने ही उसमें से वो शक्ति वापस खींच ली। खींच लिया है। तो अब 5 गाथा के प्रभाव से भी वही अगर हमें उसका फल मिलता हो तो फिर 5 गाथा ही जो है आज सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी आप देखेंगे तो आपके जीवन के अंदर 1 से 9 नंबर का जबरदस्त महत्व रहता है। हर ग्रह का, हर राशि का महत्व रहता है, और 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जो 1 से 9 के बराबर सेंट्रल में आता है। बुध का नंबर है, वाणी का नंबर है। गुरुदेव आपको 9 ग्रहों के बारे में भी डिटेल में बताना चाहते हैं, लेकिन गुरुदेव आज घर घर में हेल्थ का चैलेंज चल रहा है, वास्तु सामान्य मनुष्य के जीवन में कितना असर करता है? वास्तु तो बहुत ही असर करता है, जी क्योंकि हमारे यहाँ वास्तु शास्त्र में परिवार का जो मुख्य सभ्य हो जी उसका स्थान कहाँ होना चाहिए, परिवार में अन्य सभ्य हो उनका स्थान कहाँ होना चाहिए, घर के जो बुजुर्ग व्यक्ति हो उनका स्थान कहाँ होना चाहिए। और हम सामान्यतया भी देखते हैं कि जब कोई प्रसंग होता है तो हम उस प्रसंग पर हर व्यक्ति को अपने अपने स्तर पर उसको जगह देते हैं, जी और अगर वो जगह ना दी जाए तो परिवार में विखवाद पैदा होता है। बराबर है। तो ये तो हमें सामान्यतया देखने को मिलता है। तो उसी तरह से वास्तु एक पुरुष है, पुरुष है वास्तु पुरुष कहा गया है, जी। तो उस वास्तु पुरुष में वो जो हम उसको स्थान दिया है तो वहां पर उस पुरुष के हिसाब से कहाँ 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 किन किन व्यक्तियों का आवागमन होगा तो उनको कहाँ स्थान दिया जाएगा वो पुरुष नक्की करता है। जी और उसमें कहीं पर भी अगर वो गड़बड़ कर दे तो जो आने वाला आगंतुक है उसको बुरा भी लग सकता है अगर उसको नाराज उचित भी सम्मान होगा। नहीं दिया जाए। तो उसी तरह से हमारे यहाँ वास्तु में खास कर ध्यान रखा जाता है कि अग्नि का जो क्षेत्र है यानी जहाँ हमारी रसोई वगैरह बनती है तो जी उसका स्थान कहाँ होना चाहिए, जो हमारे यहाँ शौच आदि क्रिया होती है उसका स्थान कहाँ होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे स्थान जो बताएं उसमें अगर वो उपयुक्त स्थान पर ना हो जी तो उसका प्रभाव व्यक्ति की आर्थिक उन्नति पर पड़ता है, सामाजिक उन्नति पर पड़ता है, पारिवारिक उन्नति पर पड़ता है। तो ये कई घरों में आज देखा जाता है। तो और विशेषतया अब तो अधिकतर लोग जब कोई नया अपना भवन बनाते हैं तो वास्तु का विशेष ध्यान रखने लगे हैं, वास्तुकार की अपेक्षा भी रखते हैं कि सलाह जितना लेके। हो सके उतना उनसे सलाह ली जाए और उस दोष का निवारण किया जाए, तो उनको उनके जीवन में उसका प्रभाव भी प्रभाव देखने को भी मिलता है। देखें। आपने कोई ऐसा घर देखा होगा कि जो वास्तु से विपरीत होगा और एकदम उसके घर में नेगेटिविटी या अप से डाउन आ गया हो, या नेगेटिविटी लोग आपको आकर हमारे के बोले? शास्त्र में ही एक बहुत ही सुंदर एक दृष्टांत दिया गया है जी गुरुदेव। कि जब एक राजा दूसरे राजा को हरा नहीं पा रहा था तो उससे कारण पूछा गया। जो राजा हराने आया था वो बहुत ही अधिक बलशाली था, जी उसकी सेना भी बहुत ही थी, और इधर सेना भी कम थी, इतना शक्तिशाली नहीं था, फिर भी वो अधिक बलशाली राजा उससे जीत नहीं पा रहा था। जी जब किसी वास्तुशास्त्र के जानकार व्यक्ति से पूछा गया, नैमित्तिक शास्त्री से पूछा गया, तो उसने कहा कि इस राज्य में यहाँ पर एक जो स्थान है जी वो स्थान जिस दिशा में बनाया गया है उस स्थान के प्रभाव से यह इनका जो पूरा राज्य है वो अजेय है। वाह, अगर इस स्थान को यहाँ से जोड़ा विक्षिप्त कर दिया जाए, उसको यहाँ से उठा लिया जाए, तो जी, तुरंत आप उस राजा के ऊपर चढ़ाई कर सकते हैं और उस राजा को जीत विजय है, सकते हैं। और यही हुआ। यही हुआ। और कई ऐसे हमारे गुजरात के बड़े बड़े जब किलेबंद
किले बनाए गए या नगर के दरवाजे बनाए गए, तो नगर के दरवाजे बनते नहीं थे, तो उसके लिए सलाह ली जाती थी। तो वह ज्योतिष शास्त्री, निमित्त शास्त्री, वो सब बताया करते थे कि ये वास्तु के हिसाब से यहाँ पर ये गड़बड़ी है, इसके लिए अगर ये उपाय किया सभी जाए तो आपका सभी दरवाजा कार्य खड़ा हो कार्य सकता है। तो ऐसे कई दृष्टांत हैं। तो आज भी हमें देखने को मिलता है कि कई बार व्यक्ति का अगर घर के दरवाजे का डायरेक्शन गलत गलत दिशा में होता है तो धीरे 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 उसकी प्रगति ना होते हुए उसकी अधोगति होने लगती है, और जैसे ही वो बदल देता है उसकी फिर से उन्नति चालू हो जाती है। कई व्यक्ति जब किसी घर में रहता है तो वहाँ बहुत उसकी उन्नति होती है, जैसे ही किसी घर को बदलता है वहाँ से उसकी उन्नति। उन्नति का जो एक शिखर था उससे वो नीचे गिरने लगता है। वाह, बहुत अद्भुत गुरुदेव ने बात बताई है। यहाँ पर जिसके घर में बड़े बड़े वास्तु दोष है, उसके लिए कोई दो तीन छोटी रेमेडी करके अपने वास्तु दोष को, पहले तो आपको अच्छे एक्सपर्ट लोगों को ही दिखाना है, गुरुदेव का सलाह सूचन लेना है। लेकिन आज इस वीडियो आप देख रहे हो, तो आज से कुछ छोटा सा ऐसा बदलाव करे कि जिससे आपको बड़ा रिजल्ट मिलना स्टार्ट करे। तो गुरुदेव आपको एक छोटा सा वास्तु के लिए रेमेडी बता रहे हैं। हाँ, तो वास्तु के लिए हमारे यहाँ जैसे क्या है, मेरा तो ये मानना है जी कि एक बार व्यक्ति अपने जीवन में अपनी जीवन की सारी पूंजी लगाकर कोई घर बनाता है, जी अपना भवन बनाता है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो वास्तुशास्त्री होते हैं तो या तो सब कुछ बदलवाने की कोशिश करते हैं। अब व्यक्ति ने वैसे भी बहुत कुछ अपना मेहनत हाँ मेहनत कर कर उस घर को बनाया होता है, कितना उसने ब्याज लिया होता है, फिर ऊपर से उसके ऊपर ज़्यादा बोझ आ जाए, तो मैं उसमें थोड़ा कम मानता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि उसी में कैसे बेस्ट किया जाए। हाँ बेस्ट किया जाए जिससे उसके वो उस दोष का निवारण हो जाए। तो उसके कई हमारे यहाँ उपाय बताए हैं, जी गुरुदेव, जैसे हम गुरुदेव के साथ धामा में थे, तो धामा का जो मंदिर था, जी तो मंदिर अधिकतर क्या होता है कि मंदिर का जो दरवाजा है वो सीधा जो रास्ता है रास्ते की तरफ खुलना चाहिए। अब अगर उसके बीच में कोई अवरोधक आ जाता है तो भी संघ की उन्नति नहीं होती है। जी तो संघ आया, संघ ने पूछा कि गुरुदेव, धीरे धीरे सब लोग यहाँ से निकलते चले जा रहे हैं, यहाँ पर से यहाँ के जो लोग थे जो एक समय पर सुखी थे वो धीरे 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 यहाँ पर गरीब होते चले जा रहे हैं, और जो बाहर जा रहे हैं उनकी बहुत प्रगति हो रही है, तो क्या किया जाए। तो गुरुदेव ने कहा, यह मंदिर का जो दरवाजा है ना, सीधा हाँ, सामने दीवार आ जाती है, ओ रास्ते की तरफ ये दरवाजा खुलता नहीं, तो आप एक काम कीजिए, इसको मंदिर को बदलने की आवश्यकता नहीं, वहां पर एक आप दरवाजा वहां पर एक मिरर लगा दीजिए। ओ छोटा सा प्रयोग। हाँ, तो भगवान की दृष्टि वहां पड़ेगी और इधर तो वो अपने आप ही उस दोष का निवारण हो जाएगा। तो ऐसे कई वास्तु शास्त्र की जो टिप्स है जी वो दी जाती है जिससे ज्यादा व्यक्ति को खर्चा भी ना आए और उसका समाधान भी मिल जाए। समाधान भी हो जाए, और हुआ भी ऐसे ही कि ऐसा किया तो फिर से संघ की पूरा उन्नति संघ की हाँ उन्नति। चालू हो गई। जितने भी संघ का ये प्रॉब्लम है, आप बहुत डिटेल से समझ रहे हैं कि छोटे छोटे चीजों से भी बड़ी बड़ी खुशियां प्राप्त हो सकती है। अब गुरुदेव लाइव टेस्टिंग के मंत्र का टेस्टिंग, कैसे मंत्र जाप को किया जाए, आज गुरुदेव आप सभी को बताने वाले कि सही मंत्र जाप कैसे किया जाता है, अनुभव किया कैसे किया जाता है, उसका लाइव प्रयोग। बहुत सारे लोग आधा आधा घंटा, एक एक घंटा, दो दो तीन तीन घंटा मंत्र जाप करते फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता है। तो आज गुरुदेव के पास से संपूर्ण सही मंत्र जाप की विधि, रिजल्ट कैसे मिलेगा वो आप सब देखने वाले हैं। हाँ, क्योंकि हमारे हमारी जो कुंडली है, कुंडली में 9 ग्रह हैं और प्रत्येक ग्रहों का अपना अपना एक उचित स्थान है स्थान है और प्रत्येक ग्रहों का अपना एक फल है कि वो जीवन में क्या फल देता है और उसका हमें कैसे वो हमारे कुंडली में हमारे जीवन में वो हमारे अनुकूल रहे। जी अगर वह अनुकूल है तो हमें संपत्ति, समाधि, इन सारी चीजों की प्राप्ति होगी। अगर वो हमसे प्रतिकूल होते हैं तो फिर जो है हमें उसका निवारण करना पड़ता है। हाँ आवश्यक हो जाता है। तो अब उसका हमें हमारी कुंडली पर जो प्रभाव पड़ता है तो उसकी एक्चुअल में आराधना कैसे करनी चाहिए। जी बोलिए। कभी कभी क्या है, आराधना की विधि में अगर वो अविधि हो जाती है तो भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। दुष्प्रभाव पड़ता है। जैसे मैं अभी आपको प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूँ, जी जैसे सूर्य ग्रह है और एक है शनि ग्रह, जी तो शनि ग्रह का वर्ण है, उसको हम कृष्ण वर्ण बताया गया या उसको नील वर्ण बताया गया है। तो मैं अभी इसका एक आपको लाइव एग्जाम्पल दूंगा।
गुरुदेव ने दोनों मेरे हाथों में कुछ ऐसे सिंबल इसके लिखा है ये गुरुदेव, मैंने 8 का अंक लिखा है एट जो कि नंबर। शनि का प्रतीक है, और ये शनि का ये विशिष्ट रंग है, ये जिसको हम उड़द या चणोटी कहते हैं, ये ब्लैक कलर की ब्लैक चनोटी कलर मेरे की। हाथ में है। हाँ, अब ये 8 का अंक जो है ये मैंने लिखा, और साथ साथ में आपको ब्लैक कलर का, जो जब हम उसकी आराधना करते हैं उनको कौन सा प्रिय धान्य है, जी वो मैंने आपके हाथ में रखा। अब शनि की जो दिशा है वो है पश्चिम, जी सूर्य की दिशा है पूर्व। वो है पूर्व। अब मैंने आपको जो सामग्री दी है वो शनि की है, अब मैं आपको बिठाऊंगा पूर्व दिशा की तरफ, सन्मुख रखकर आपको बिठाऊंगा और आपसे कहूंगा कि आप ये ब्लैक माला लीजिए, ओम ओम सूर्याय नमः, इसका आप 108 बार जाप कीजिए, तो आपको प्रतीत होगा कि आपको बेचैनी सी हो रही है। मंत्र और दिशा का भी कॉम्बिनेशन होना जरूरी हाँ है। सभी लोग ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। मैंने इतने ग्रंथ पढ़े हैं लेकिन गुरुदेव डिटेल से कि जो मंत्र गिन रहे हैं उसकी भी प्रॉपर दिशा उसकी गुरुदेव, प्रॉपर दिशा है। और तब फ्रीक्वेंसी मैच हाँ होती है और अपना कार्य सिद्ध हाँ होता है। आपने आसन लिया है काले कलर का, जी वस्तु ली है काले कलर की जो कि शनि की है, और आप मंत्र जाप कर रहे हैं सूर्य का, ओ और पूर्व दिशा के सन्मुख बैठकर, तो दिशा आपकी गलत है, मंत्र आपका गलत है, और इधर चीजें आपकी गलत है, तो उसका प्रभाव गलत पड़ेगा। अब आप अगर ट्राई करेंगे तो आपको बेचैनी से अनुभव होगा आपको, और उसी में आपको मैं दिशा का परिवर्तन करने का कहूंगा कि अब आप पश्चिम दिशा के सन्मुख बैठकर यही मंत्र का जाप कीजिए, और लेकिन मंत्र बदल दीजिए, ओम शनेश्वराय नमः, जैसे सूर्य का मंत्र है ओम सूर्याय नमः जी और ओम शनेश्वराय, तो आपकी धीरे धीरे बेचैनी दूर हो जाएगी, आपको शांति का एहसास होगा। बराबर है तो मंत्र को भी ये किस दिशा में बैठकर गिनना चाहिए, किस इसका। आसन में हमें किस आसन को लगाकर गिनना चाहिए, कौन सी माला होनी चाहिए, कौन सा उस ग्रह के हिसाब से उस ग्रह को अनुकूल वस्तु होनी चाहिए, जी ये सारी चीज़ों का भी हमारे मंत्र जाप पर प्रभाव पड़ता प्रभाव है। पड़ता है। सूर्य के लिए, पूर्व दिशा के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे? जितने भी हमारे जो हैं खास करके सिंह राशि के जातक आज आपको देख रहे हाँ हैं, जिनको 2025 बहुत पावरफुल बनाना है, तो वो सभी लोग सूर्य दिशा, सूर्य के लिए कौन सी दिशा में आराधना करें और क्या आराधना करें? देखो ऐसा है कि सूर्य का जैन धर्म में बहुत ही महत्व बताया है, जी और इवन इतना कहा गया है कि सूर्य का जो संबंध है सीधा हमारे नाभि के साथ, ओहो नाभि कमल के साथ में सूर्य का संबंध है, हो और तभी देखिए जैन व्यक्ति सूर्योदय होने के बाद भोजन लेता है और सूर्यास्त के बाद में, खत्म कर देता है और सूरजमुखी फूल भी कब खिलता है, सूर्य के हाँ साथ। सूर्य का उदय होता है। तो हमारे हमने जब हम चक्रों की आराधना करते हैं तो नाभि चक्र, तो उसमें जो आकार बताया कमल का आकार बताया है, अगर उसको हमें जागृत करना है तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, वाह तो हमारी पाचन क्रिया को भी अगर हमें मजबूत रखना है, अच्छी रखना है, तो उसके लिए हमें सूर्य का जाप करते हैं, वाह और उसमें वहाँ पर हम नाभि कमल पर हम ध्यान हाँ सूर्य का ध्यान करते हैं। कौन से मंत्र का गुरुदेव जाप करें? वैसे तो जैन धर्म के मंत्रों के हिसाब से देखा जाए तो सूर्य का मंत्र है, हमने सूर्य को प्रतीक माना है, पद्म प्रभ स्वामी भगवान का, वहाँ पर जी जाप करते हैं, साथ साथ में हम वहाँ पर ओम रीम नमो सिद्धाणम, नमस्कार महामंत्र के साथ। नमस्कार महामंत्र से ओम रीम नमो सिद्धाणम का जाप करते हैं, और तीर्थंकरों में पद्म प्रभ स्वामी भगवान का हम आराधना से हाँ ध्यान जबरदस्त करते रिजल्ट हैं। मिल सकता है। हाँ बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। चंद्र ग्रह की आराधना 12 राशियों में से जिनकी भी कर्क राशि है, वो सभी लोग अपने चित्त को प्रसन्न बनाना चाहते हैं, जिनको नींद की समस्या है, जिनको अपनी मम्मी बार बार बीमार रहती है, तो 2025 आप चंद्र ग्रह वाले हैं, जितने भी कर्क राशि वाले हैं, वो सभी लोग कैसे चंद्र ग्रह की आराधना करें और अपने हेल्थ को, अपने मनी को, अपने इमोशन को, आज डिप्रेशन भी चारों तरफ गुरुदेव इतना चल रहा है, तो उसमें चंद्र ग्रह के लिए कोई आप स्पेशल रेमेडी बताना चाहेंगे? हाँ तो जैसे सूर्य आत्मा का प्रतीक है, चंद्र मन का प्रतीक है, जी तो हमारे यहाँ अगर चंद्र को हमें अपने अनुकूल बनाना है तो हम यहाँ चंद्र प्रभु स्वामी की आराधना करते हैं, जी और साथ साथ में सबसे
हमारे यहाँ जो मंत्र का प्रभाव बताया गया, नमस्कार महामंत्र का प्रभाव बताया गया, जी तो उसमें प्रत्येक पद का, एक एक हाँ, एक एक जाप भी बताया गया है कि कौन सा पद किस ग्रह से संबंध रखता है। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि ये जितने भी ग्रह हैं वो सब परमात्मा के सेवक हैं। जी जब जब परमात्मा विषरण करते हैं तो सारे ग्रह अपने अपने स्थान से आकर परमात्मा की चरणों की सेवा में सेवा लग करते जाते हैं। हैं। और हमारे यहाँ तो बताया भी गया है कि सूर्य और चंद्र, भगवान महावीर स्वामी जब अपनी देशना देते थे तब साक्षात अपने विमानों के साथ, आ गए हैं, हाँ, इस पृथ्वी तल पर आ आए। गए हैं। तो ये सब परमात्मा के सेवक हैं, और परमात्मा के सेवक होने से, परमात्मा का ध्यान करने से, तो जो परमात्मा का ध्यान करता है उनको ये अनुकूल बन जाते हैं। बन जाते हैं। हाँ तो कौन से मंत्र की आराधना, डिप्रेशन वाले चंद्र को जिसको पावरफुल बनाना है वो हाँ आराधना कौन सी करे? जैसे वैसे तो ओम ह्रीम अरहम श्री चंद्र प्रभ स्वामी नमस्तुभ्यम मम शांति ही शांति ही, बहुत बढ़िया एक ये मंत्र है। और दूसरा, मैं कई बार लोगों को कहता हूँ, जी, बहुत ही एकदम सिंपल मंत्र है जिसे आप चलते फिरते उठते बैठते गिन सकते हैं, जिसे तुरंत इंस्टेंट आपको उसका लाभ होगा। ओम रीम प्रत्यंगिरे मम स्वस्ति शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। बहुत अद्भुत। एक बार गुरुदेव और रिपीट कर दीजिए, सभी लोग इसको नोट करके हजारों लोगों को आपको ये खास करके सुनाना है, गिनाना है, आप इंस्टेंट रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं। गुरुदेव मंत्र ओम रीम प्रत्यंगिरे मम स्वस्ति शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। अद्भुत। ये मंत्र भी आपको तुरंत मन शांत करने के लिए, इसका थोड़ा सा कल्प कैसे करे गुरुदेव, सरल व्यक्ति, 108 बार गिनना है दिन एक सौ में आठ बार कभी गिन, भी, कौन सी दिशा में, इस दिशा या कोई भी दिशा में कर कोई भी सकते दिशा हैं। में बैठकर आप इसको गिन सकते हैं। साथ साथ में चलते फिरते उठते बैठते एक और है, शांति प्रभु शांति करो पार्श्व प्रभु विघ्न हरो। वाह, शांति प्रभु शांति करो, पार्श्व प्रभु हाँ, विघ्नहारो। शांति प्रभु शांति करो पार्श्व प्रभु, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो बीजाक्षर होते हैं बहुत जटिल होते हैं, हर कोई व्यक्ति उसको गिन नहीं पाता है, और अविधि से गिनता है तो कई बार उसके जो प्रभाव उसको मिलता नहीं था। मिलता नहीं है। तो ये बहुत ही सिंपल मंत्र है, शांति प्रभु शांति करो पार्श्व प्रभु विघ्न हरो। आपको ये करोड़ों करोड़ों रुपया देने के बाद भी जो चीज़ नहीं मिल सकती है ऐसी चीज़, क्योंकि गुरुदेव ने हिमालय की यात्रा की है, गुरुदेव ने पाटन को देखा है, गुरुदेव ने जैसलमेर के अनेक पुस्तकों को पूरा रिसर्च करके आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो जिनको कर्ज है, जिनकी भी मेष राशि है, जिनकी भी वृश्चिक राशि है और जिनका अधिष्ठायक मंगल ग्रह है, गुरुदेव ने पहले ही वास्तु के बारे में बताया है कि आप खुद का मकान बनाना चाहते हो, अपने सर के ऊपर करोड़ों रुपए का कर्ज को इंस्टेंट निकालना चाहते हो, तो आप फिजिकल मेहनत तो कर ही रहे हो, रोज व्यक्ति सुबह में फैक्ट्री जाता है, ऑफिस जाता है, लेकिन स्पिरिचुअल आशीर्वाद, प्रभु की कृपा, अधिष्ठायक देवों की कृपा, मंगल को कैसे गुरुदेव बलवान बनाए? मंगल को बलवान बनाने के लिए हम मंगल ग्रह की साधना करते हैं। जी गुरुदेव, तो हमारे यहाँ मंगल ग्रह की साधना करने के लिए 12वें हमारे जो वासुपूज्य भगवान हैं, हम उनका ध्यान करते हैं, उनका जाप करते हैं, और साथ साथ में हम ओम रीम नमो सिद्धाणम पद, वाह, इसका हम ध्यान करते हैं। तो ये ओम रीम नमो सिद्धाणम, ओम रीम अरहम श्री वासुपूज्य स्वामी मम शांतिम नमस्तुभ्यम मम शांति ही शांति ही, इस तरह से हम वासुपूज्य स्वामी की आराधना कर कर साधना करके, वैसे उसकी विस्तृत विधि बताई गई है। जी साथ साथ में हमारे यहाँ क्या है कि जो ज्योतिषी होते हैं कई बार इसके प्रतीक के रूप में उनको जो स्टोन वगैरह होते हैं वो पहनने की भी सलाह देते हैं। रत्न चिकित्सा, हाँ, रत्न चिकित्सा होती है, लेकिन खास आज जो हम यहाँ उपस्थित हैं उसमें मंत्र यंत्र और तंत्र, जी तो वैसे तो हमारे यहाँ जैन शास्त्र के अंदर मंत्र और यंत्र को ही प्रमुखता दी गई है, जी ज्यादा तंत्र का हमारे यहाँ पर इतना नहीं है। ज़्यादा नहीं। और हमने तंत्र को सिर्फ विधि के रूप में ही लिया है जो हम ये करते हैं, बाकी के जैन शास्त्र में, क्योंकि जैन शास्त्र जो अहिंसा प्रधान है, जी गुरुदेव, और जो एक तंत्र की व्याख्या है, एक तांत्रिक की व्याख्या है, तो उसमें जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं वो किसी का अहित करने के लिए या कोई ऐसी
साधनाओं के लिए प्रयुक्त होती है, वो तांत्रिक क्रियाएं, तो उसका स्थान जैन धर्म में कहीं पर भी है। कहीं पर भी नहीं। तो गुरुदेव, यहाँ पर एक और एक प्रश्न होता है कि क्या नजर लग सकती है? बहुत सारे लोग आज इस अवधव में जी रहे हैं, किसी ने कुछ करा दिया है या मुझे नजर लग गई है, तो उसके लिए कोई सॉल्यूशन? पहले तो ये चीजें होती हैं या एक साइकोलॉजी है या मानसिक रोग है? होती है, होती है, तो उसका कोई सरल निवारण आपके ज्ञान में आया हो कि किसी को नजर लग गई हो, ये ऐसा कोई प्रयोग करे कि जिससे इस चीज से वो बाहर निकल सके? किसी ने किसी दुकान बांध दिया है, किसी की कोख बांध दी है, किसी को बार 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 बीमारी घर से निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। हाँ, उसका भी हमारे यहाँ निवारण बताया गया है कि अगर जी आपको नजर लगी है जी तो उस नजर का निवारण करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो वैसे तो हमने देखा है, हम जी जब बचपन में जब हमें नजर लग जाती थी हाँ तो हमारे जो दादाजी थे वो हाँ मोर पीछी को लेते थे और जी फिर मोर पंख को लेकर वो कुछ मंत्र बोलते थे और फूंक देते थे। हाँ तो कभी कभी नजर लगने से क्या होता है, या तो हमारी आंखें भारी हो जाती हैं, जी सिर दुखने लगता है, हमें भूख नहीं लगती, मन बेचैन सा हो जाता है, अचानक हम एकदम प्रफुल्लित थे और उदास हो जाते हैं। तो ये सारी, ये तो मैंने एक सामान्य लक्षण जो लक्षण बताए, जी बाकी किसी को भारी नजर लग जाती है तो हाँ कई बार ऐसा होता है, बहुत अच्छी दुकान चल रही होती है, किसी की नजर लग गई तो डाउन हो जाता डाउन हो जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। फिर उसका, और हमारे गुरुदेव का ही प्रत्यक्ष है, बचपन में उन्होंने, बच्चे थे तो उस समय वो कहीं खाना खाने गए थे, तो खाना खाते खाते उस दिन मूंग बहुत अच्छे बने थे, तो है। उन्होंने मूंग ही मूंग खाए, तो उस दिन से जो मूंग पर नजर लगी तो करीबन 30-40 साल तक वो क्या नजर उनको रही। मूंग देखते थे तो उनको अरुचि हो जाती थी, ओहो, मूंग नहीं खा कौन पाते थे। से पुंडरीक मार से पुंडरीकेतेश्वर जी महाराज, सब आचार्य गुरुदेव। भगवान? हाँ, फिर वो इसका निवारण कैसे हुआ, तो हमारे जो गुरुदेव जम्बूवी जी के महाराज साहब थे, वो सिर्फ भोजन में एक टाइम ही आइम्बिल की मूंग की दाल और फीकी सब्जी लेते थे, दो ही चीजें लेते थे। अब उनकी अगर वो बढ़ जाती थी तो कौन लेगा, फेंक तो सकते नहीं। तो वो गुरुदेव की जो शेष लेते थे उसके प्रभाव से धीरे धीरे उनकी नजर चली गई। ये जीवंत प्रजा ये प्रभा जीवंत उदाहरण। दृष्टांत है और दूसरा भी एक एग्जाम्पल है जी गुरुदेव। कि जब उनको नजर लग गई किसी की, तो उस समय नजर इतनी भारी लगी कि रोजाना 1-1 किलो वजन उतर रहा है किसको? गुरुदेव पुंडरीकेतेश्वर आचार्य सर, भगवान को? आचार्य भगवंत को। ओहो हो और 11 दिन में 11 किलो वजन घट गए। वैसे भी उनकी काया पतली और उसमें 11 किलो वजन घट जाए तो बिल्कुल हड्डियां दिखाई देने लगी। डॉक्टरों को बुलाया गया, सभी प्रकार की चिकित्सा की गई, फिर भी कोई आराम नहीं। तो किसी हमारे साध्वी जी भगवंत ने कहा, एक बार नजर उतरवा लो, वाह, किससे हो सकता है कि किसी की नजर रहा? लग गई हो और उसके प्रभाव से। और उस दिन नजर उतरवाई, उस नजर उतारने में एक महिला, जो गांव की महिला थी, वो फिटकरी को लेकर आई। उसने कुछ जो भी बोला होगा बोला, 7 बार उस गुरुदेव के सिर से वो उतारा उतारा और फिर वो फिटकरी को लेकर गई और सीधा उसने चूल्हे में डाला। चूल्हे में डाला तो वो फुटकरी फूल गई, उसका एक आकार बन गया। अच्छा आकार बन गया तो उसमें ऐसा आकार बना कि एक महिला है, उसने अपनी कोख में, अपने बगल में एक बच्चे को धारण किया है और ऐसी व्यक्ति की नजर लगी। उसमें वो बता देता है कि किस व्यक्ति की नजर लगी, नजर लगा बिल्कुल जी जहां पर जो आंख जहां होनी चाहिए, नाक जहां होनी, वैसा ही वो उस पटरी राख में। का हाँ कण जो है वहां पर ही बराबर आकर लगा। तो एक पूरा जो है एक शिल्प बन गया। तो वो आकर बताया उन्होंने कि ऐसी व्यक्ति की नजर लगी, अब मैं इसको ले जाकर 4 रास्ते पर फेंक दूंगी और फिर देखो। उसने 4 रास्ते पर ले जाकर फेंका, जैसे ही वहां पर फेंका, धीरे 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 इनको जो भूख नहीं लगती थी, भूख लगने लगी और ऐसा हुआ। फिर वो 11 दिन में उनका वापस 11 किलो वजन ये आ जीवन गया। आपने देखा, आपकी ये रिक्शा, जीवंत उदाहरण, आपने आपकी रिक्शा हो गई ने, बिल्कुल। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि सारी एनर्जी वर्कआउट करती है, तो कॉमन इंसान क्या करे? कॉमन इंसान को नजर लग जाती है, तो गुरुदेव ऐसा तो कोई मंत्र आप प्रयोग? देखिए, कई बार ऐसा होता है जब शादियां होती हैं, शादियों में दूल्हा दुल्हन को बताया जाता है कि आप ना, वो प्रथा थी कि चक्कू को साथ में रखना, जी तलवार साथ में रखते थे। महिलाएं होती थी तो उनको कोई बताया जाता, तुम आप राई के दाने, सरसों के दाने या फिर ये नींबू जो मिंजन वगैरह, बनाते थे। हाँ हाँ। और फिर अभी जो है, हम वर्तमान में रक्षा पोटली देते हैं, तो रक्षा पोटली में भी क्या है, जी वो
जो सरसव है उसकी हाँ भस्म है, जी और उसको भी विधिवत वो तैयार की जाती है और उस भस्म को उसके अंदर डाला जाता है, तो उसके प्रभाव से कोई बुरी नजर मेली विद्या का प्रभाव प्रभाव हमारे, क्योंकि विश्व में दोनों प्रकार की एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी भी है पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी एनर्जी भी भी है, है। और अधिकतर लोगों पर नेगेटिव एनर्जी ज्यादा हावी होती है। तो आप सभी लोग देख रहे हैं कि नजर का प्रॉब्लम है, कर्जा बढ़ चुका है, मकान खुद का नहीं हो रहा है, मकान की ईएमआई में प्रॉब्लम आ रही है। तो उन सभी के अंदर ये वासुपूज्य स्वामी जी भगवान की आराधना, नौकार मंत्र में से कौन सा मंत्र है गुरुदेव मंगल ग्रह के लिए? देखिए हमारे यहाँ क्या है, मंत्र के तीन चीजें बताई गई है, जी एक मातृका अक्षर, जी एक बीजाक्षर और एक पल्लव, ये तीन चीजें हैं। तो उसमें अ से क्ष तक मातृका अक्षर होते हैं, फिर क से लेकर ह तक बीजाक्षर होते हैं, और नमः स्वाहा वगैरह जो शब्द हैं वो है पल्लव फल है। तो ओम अस्या उषा नमः, जी ये जो मंत्र है पूरा नवकार मंत्र का एक जैसे कहते हैं हम सार सारांश, सारांश। तो वो सारांश है। तो उसमें ओम जो है वो मातृका अक्षर है, इसको हम प्रणवाक्षर भी कहते हैं। जी फिर अस्या उषा जो है उसके अंदर बीज मंत्र भी आ गए, मातृका अक्षर भी आ गए, और नमः जो हम बोलते हैं वो पल्लव भी आ गए। पल्लव आ गया। तो ये तीनों का जो सार है, मतलब नवकार मंत्र का सार वो उसमें आ गया, और ये मंत्र का जो एक बताया गया है कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए वो भी इस मंत्र के अंदर आ आ गया गया। है। तो ज्यादा से ज्यादा ओम अस्या उषा नमः कर्ज मुक्ति के लिए आपको बहुत 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 लाभदायी रहेगा 5 नंबर। और ये बुध ग्रह की आराधना आपके जीवन के अंदर एक बड़ी सफलता, क्योंकि जिसकी वाणी में मिठास है वही जीवन के अंदर बड़ा सफल हो सकता है। जितने भी कन्या राशि वाले जातक हैं, जितने भी मिथुन राशि वाले जातक हैं, अपने जीवन में 2025 में बुध ग्रह को कैसे गुरुदेव बलवान बनाए, बुध ग्रह की ऐसी क्या छोटी छोटी आराधना करें कि घर के अंदर एक प्रेममय वातावरण। ये पूरा एपिसोड करने का हमारा एक ही लाइन का उद्देश्य है, मिट्टी में सब भूयेषु, और गुरुदेव की भी भावना है, मैत्री भावनु पवित्र जरणु मुझ हैया मा वया करे। गुरुदेव के साथ आप कितने साल रहे? गुरुदेव के साथ तो मैं 7 से 8 साल तक 8 साल। गुरुदेव रहा। के भाव में भी हर छोटे छोटे व्यक्ति के हृदय का कल्याण हो, मंगल हो, यही भावधारा थी। तो हमारे लाखों दर्शक बुध ग्रह को कैसे बलवान बनाए ये गुरुदेव बुध ग्रह हम जानते हैं कि वाणी का प्रतीक है, जी? गुरुदेव अगर और ये संसार के जितने भी कलह हैं, जितने भी विवाद हैं, वो सब वाणी से होकर ही गुजरते हैं। हमारे यहाँ तो कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं कि महाभारत भी अगर हुई है, और घर घर जो महाभारत होती है हो रही है। उसमें अगर सबसे ज़्यादा कोई अपना महत्व का भाग जी अदा करता है तो वो है हमारा वाणी विलास। वाणी विलास तो इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है मौन जो है सभी सिद्धि का कारक है, वाह लेकिन वाणी का हमें उपयोग करना पड़ता है कम्युनिकेशन के लिए। तो हमारी वाणी कैसे निकलनी चाहिए, जी जो प्रिय हो, पथ्य हो, हितकारी हो, मितकारी हो, तो ऐसी वाणी हमारे द्वारा निकले वो तो सबसे पहले आवश्यक है। लेकिन अधिकतर होता है कि कहीं ना कहीं आवेश में हम ऐसी वाणी का प्रयोग करते हैं जिससे व्यक्ति के जीवन में ये सारी अशांतियों का सामना करना पड़ता है। तो हमें उसके लिए और हमारे ज्ञान और ये अज्ञानतावश होता है, जी तो उस अज्ञानता को भी अगर दूर करना हो तो ये बुध का ध्यान करना, बुध की आराधना करना बहुत ही आवश्यक है। आवश्यक तो उसके लिए हमारे यहाँ बुध ग्रह को प्रबल बनाने के लिए हमारे यहाँ बताया गया है कि ओम ह्रीम नमो उवज्जायाण, वज्जायण, हाँ इस मंत्र का हम ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा विमलनाथ ध्यान, भगवान हाँ, और विमलनाथ भगवान है, शांतिनाथ भगवान है, जी ये दो भगवान जो हैं हाँ चित्त की प्रसन्नता चित्त की प्रसन्नता के लिए बहुत ही जरूरी है, और हमारी वाणी को निर्मल बनाने के लिए भी। बहुत। जिनकी जन्म तारीख के अंदर 5 नंबर मिसिंग है, आप आपकी जन्म तारीख लिखिए। यदि आपकी जन्म तारीख 21387 है, जिनकी जन्म तारीख के अंदर 5 नंबर भी मिसिंग है, तो गुरुदेव ने जो मंत्र बताए हैं ओम ह्रीम नमो उवज्जायाण, वो 5 नंबर की फ्रीक्वेंसी ग्रोथ की और मुंह में मीठी जबान बनाने के लिए बहुत 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 कामयाब बनाने वाली है। कैंसर बहुत हो रहे गुरुदेव, घर घर में हेल्थ की आज बड़ी
चैलेंज आ चुकी है, तो हेल्थ के लिए कोई छोटी सी आप रेमेडी बता सकते हैं? डायबिटीज आज 10 लोगों को आप खड़ा रखेंगे तो एवरेज 5 से 6 लोगों को डायबिटीज है, हर चौथा पांचवा व्यक्ति कैंसर में आज प्रॉब्लम्स में है, हर तीसरा चौथा व्यक्ति डिप्रेशन में जी रहा है। तो आज जैन मंत्रों का आपने इतना दोहन किया है, इतने ग्रंथों का रिसर्च किया है, तो हेल्थ की चैलेंज को जीतने के लिए, बीमारी को हराने के लिए इंसान क्या कर सकता है? देखिए, बीमारी को हराने के लिए हम मंत्र का प्रयोग तो करते ही हैं, जी गुरुदेव, और कई ऐसे शास्त्र के अंदर मंत्र बताए गए और सबके कल्प बताए गए। कल्प है। उसमें नवकार में नवकार मंत्र का भी कल्प बताया है, लोगस्य का कल्प बताया है, नमुत्थानम का कल्प बताया है, उवसग्रहम का कल्प बताया है, भक्तामर का कल्प बताया है, कल्याण मंदिर का कल्प बताया है, नमिउन का कल्प बताया है, ऐसे बहुत सारे कल्प हैं। और कल्प में जो स्तोत्र हैं उनके आगे पीछे बीजाक्षर लगाकर उसका जो एक मंत्र बनता है वो अलग अलग आपको उसका फल प्रभाव देता है, देता है। प्रभाव देता है। तो ये सारी चीजें हैं ही, लेकिन सबसे जरूरी है हमारी दिनचर्या। यस, बराबर है। वो अगर हमने नहीं बदली तो हम कितना भी मंत्र का ध्यान करें, जाप करें, वो मंत्र तो अपना प्रभाव बताता ही है, ऐसा नहीं है जी कि नहीं बताता है। लेकिन साथ साथ में हमारी हमें दिनचर्या भी बदलना, खान पान भी बदलना जरूरी है, बेहद जरूरी है। और वही अभी सबसे ज्यादा हमें मारक बन रहा है। एक तो खाने पीने में अनियमितता, साथ साथ में जो हम वस्तु लेते हैं उपयोग में उसके वो वस्तु की भी गुणवत्ता, वो गुणवत्ता भी घटती चली जा रही है। तो एक अनियमितता, गुणवत्ता और साथ साथ में समय सूचकता, ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे जीवन पर बहुत असर डाल रही हेल्थ है, डाउन कर रही है। बहुत हेल्थ डाउन कर रही है। तो आज ये मैं तो यही सलाह दूंगा कि जो जी खास कर जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, ये सारी चीजें जो हमारे जीवन में आ गई है, पहले बैलेंस करो। हाँ, पहले उनको आप दूर कीजिए जी अपने जीवन से। क्योंकि सात्विक भोजन लेंगे तो सात्विक विचार आएंगे, और सात्विक विचार आएंगे तो अपने आप ही रोग दूर हो जाएंगे, दूर हो क्योंकि जाएंगे। रोग का कारण विचार भी होते हैं। तो आज व्यक्ति सात्विक भोजन नहीं होने से विचारों में इतना आगे बढ़ जाता है और विचार उसको कई रोग लेकर आते हैं। तो ये सारे जो भी शुगर है, जो डॉक्टर भी यही कहते हैं आपको कि भाई आप थोड़ा चिंता कम कीजिए, हाँ हाँ, डिप्रेशन में आ गए तो वो भी कहेंगे कि आप थोड़ा विचार ना कम कर दीजिए, सोचो मत ज़्यादा। तो ये शुगर का कारण भी यही है, तो ये सारे रोगों का कारण यही है। तो सबसे पहले आहार पर थोड़ा संयम आ जाए, और फिर मंत्र तो जो है हमारे यहाँ बहुत सारे मंत्र हैं, और उसमें भी जो मैंने कहा था नमिउन पास विषहर वसः, ये जो मंत्र है, चिंतामणि हाँ, मंत्र वो चिंतामणि मंत्र, वो भी रोग निवारण का एक बहुत ही बहुत सुंदर ही मंत्र है। इसके अलावा भक्तामर स्तोत्र के अंदर भी आप जी तो बताते ही हैं कि कौन सी गाथा में कौन से रोग को दूर करने दूर का करने के लिए कौन से सामर्थ्य है। मंत्र बताए गए कभी हैं। गुरुदेव आपने भक्तामर की साधना की है, हाँ, की या थी मैंने। आपने कोई ऐसा चमत्कार आपने जीवंत तो देखा है कि जिसकी लाइफ में एकदम कोई चेंजेस आया हो? हाँ, आया है, मैंने सुना भी है। जैसे हमारे साथ में परम पूज्य, हम उनके साथ में थी, आज से करीबन 2 साल पूर्व लक्ष्मीवर्धक में हमारा चातुर्मास था, तो जी धुरंधर विजय जी महाराज साहब, ओहो तो उनके जो गुरु थे यानी पन्याश भद्रंकर विजय विजय जी जी महाराज महाराज साहब, जो कि साहब। नमस्कार मंत्र के अथंग साधक थे, तो कहा जाता है कि शुरुआत में वो थोड़ा बोलने में तुतलाते थे, ओहो साथ साथ में उनकी याद शक्ति बहुत कम थी, लेकिन उन्होंने फिर भक्तामर की जो निर्धूम वर्तिर पवर्जित तेल पूर, इस गाथा की जो साधना की, तो धीरे 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 जो है उनकी वो याद तुतलना, शक्ति भी याद है, शक्ति भी बहुत पावरफुल। बड़ी, पावरफुल भद्रंकर बन। महाराज साहब तो आज पूरे वर्ल्ड में आज हाँ भद्रंकर प्रकाशन भी चल रहा हाँ है चल रहा है और वो। नमस्कारों। कितने उन्होंने आज जो उन्होंने कितनी डायरिया लिखी, कितने अपने कितने ग्रंथों का उन्होंने अवगाहन किया, अवगाहन किया भद्रंकर और महाराज साहब, वज्र सिंह महाराज साहब जी के वज्र सिंह गुरु महाराज साहब के भी गुरु, गुरु तो ये घटना आपको किसने बताई गुरुदेव? ये उन्होंने ही बताई थी। पुरंदर महाराज साहब जी ने हाँ आपकी जो वाचना श्रेणी चल रही थी उसके अंदर हाँ उसके बताई थी अंदर बताई थी। कि भाई जीवन के अंदर भक्तामर इस लेवल पर भी, जिसकी जीभ जीभ तुतलती है, जिसका मेमोरी लॉस है, वहां पर भी हाँ, क्योंकि जबरदस्त। हमारे यहाँ भी जैसे अल्पश्रुतम सुतपतां वगैरह ये जो गाथा बताई कि बच्चों को कम से कम ये गाथा गिननी ही चाहिए दिन में 3 बार,
तो उसके प्रभाव से भी याद शक्ति बढ़ती है। जी बहुत बढ़िया। तो आप देख रहे हैं कि बुध ग्रह की जबरदस्त साधना, जिसके जीवन के अंदर यश नहीं है, कीर्ति नहीं है, ओजस नहीं है, सफलता नहीं है, मीन राशि और धनु राशि वाले जितने भी जातक, यदि आप चाहते हो कि 2025 आपके लिए बहुत पावरफुल हो, उनके लिए गुरु ग्रह की आराधना कैसे करें। जिनके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं, तो गुरु ग्रह की आराधना कैसे करेंगे सभी लोग। गुरु ग्रह की आराधना के लिए हमारे यहाँ एक तो पद बताया गया है, नमो आयरियाणम। तो हम देखते हैं, हम जैन समाज के अंदर कोई भी व्यक्ति जब सामायिक का प्रारंभ करता है तो पहले गुरु की स्थापना करता है। जी तो हमारे यहाँ गुरु का कितना महत्व है, प्रत्येक कार्य में हम गुरु की स्थापना सबसे पहले करते हैं। उसके बाद जैसे आपने कहा ना, गुरु के बिना जीवन शुरू नहीं। शुरू नहीं। जी तो हमारी हर आराधना में हम सबसे पहले गुरु का स्थान देते हैं। जी जी तो उनकी आर्य हम आचार्य को हमारे यहाँ गुरु पद में सबसे मुख्य मानते हैं, तो हम उनकी स्थापना करते हैं। तो गुरु का भी मंत्र जाप अगर कोई हो तो ओम रीम नमो आयरियाणम। इसके अलावा कलर पीत हाँ, इसका कलर जो है पीत वर्ण है। वर्ण। तो पीत वर्ण कभी जैसे आजकल सबसे ज़्यादा समस्या चल रही हो, तो वर्तमान में हमारे समाज में लड़का हो या लड़की हो, एक तो वैवाहिक समस्या समस्या जी गुरुदेव। और एक संतान की समस्या, जो पूर्व में हमारे यहाँ 20, 22, 23 साल में शादियाँ हो जाती थी तो कोई समस्या नहीं आती थी। नहीं आती थी। ना तो संतान उत्पत्ति में समस्या आती थी, ना वैवाहिक प्रसंग उसमें समस्या आती थी। जी गुरुदेव। लेकिन अब थोड़ा सा वो बदलने लगा है, समाज बदलने लगा है। तो करीबन 28, 30 के बाद ही मेरे शादियां शादी होने लगी हैं, तो उसका प्रभाव इन सारी चीज़ों पर पड़ा है। इसलिए धीरे 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 समाज की जनसंख्या भी घटती चली जा रही है। सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, क्योंकि शरीर भी एक विज्ञान है और वो उसके हिसाब से ही चला जाता है। तो जैसे अगर हमें बीज बोना हो धरती में और उसका अगर हम फल चाहते हैं तो उसके योग्य समय पर ही उसको बीज को डाला जाता है। जी कोई भी आप अगर आपको गेहूं चाहिए तो गेहूं का भी एक सीजन होता है, चना चाहिए तो चने का सीजन होता है, आपको जो चीज़ चाहिए उसका एक सीजन होता है। उस सीजन पर अगर उसको बोया जाए तो उसका रिजल्ट हाँ मिलता है। रिजल्ट मिलता है, परिणाम मिलता है। लेकिन उससे अतिरिक्त समय पर किया जाए तो उसका कोई परिणाम मिलता नहीं। नहीं मिलता है तो ये सारी समस्या हमारे यहाँ चालू है वर्तमान में। उसका तो सॉल्यूशन। उसका सॉल्यूशन ये है, नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम पर पीतवर्णी ध्यान पीत वर्ण ध्यान। येलो और कलर साथ में हाँ, तीर्थंकर। उसमें हम खासकर आदिनाथ परमात्मा की और महावीर स्वामी की हम खास आराधना करते हैं, मुख्यतः आदिनाथ परमात्मा का। गुरुदेव आदिनाथ भगवान के दीवाने थे शंभु विजय जी जम्बू महाराज जी जी सर। महाराज सब आपने आदिनाथ। कुछ उनका प्रीत या कोई ऐसा विशिष्ट घटना देखी हो, आपको याद आ रही हो, संस्मरण या कोई ऐसा चमत्कार देखा हो। हाँ, काफी चमत्कार हुए। और मैंने तो देखा कि जब जब कोई समस्या आई है तब तब गुरुदेव सीधा दादा के पास पहुंच जाते थे, अपनी समस्या उनके चरणों में, वो तो बिल्कुल बालक की तरह उनके चरणों में लेट जाते थे। जैसे एक बालक अपनी माँ के चरणों में लेट जाता है, वैसे ही वो भी उनके चरणों में कोई बिल्कुल एक बच्चे की तरह सरलता। बिल्कुल सरलता चरण अपना मस्तक अपने जो भी समस्या थी वो रख देते थे। जैसे ही नीचे आते थे उस समस्या का निवारण हो जाता था दो चार समस्या का निवारण हो गया होगा काफी, काफी, और आपने देखा भी। और देखा भी प्रत्यक्ष। अद्भुत हाँ अद्भुत। तो कॉमन आपका ये संदेश है कि जब भी आप भगवान के साथ बात कर रहे हो या कोई भी प्रॉब्लम में हो, तो पहले सरल बन जाओ। सरल बन सरल बन करके प्रभु को प्रार्थना करते हो हाँ, तो परिणाम मिलने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। भगवान के पास आप जाओ तो अपनी बुद्धि को आप बाहर रख कर जाओ, वाह, हृदय के साथ परमात्मा के पास पहुंचो तो रिजल्ट मिलने का तो चांस बढ़ रिजल्ट जाता मिलेगा। हम क्या है, हमारी बुद्धि को भी लगाते हैं, समर्पण और श्रद्धा के स्थान पर बुद्धि को आप गौण रखो है। तो आपको उसका परिणाम मिलेगा। मिलेगा।
और अगर हमारी बुद्धि चलाने जाएंगे तो उसका परिणाम नहीं मिलेगा। परिणाम नहीं मिलेगा। तो आप लोगों ने गुरु ग्रह की जबरदस्त पीतवर्णी ध्यान आपको वो वाला सिखाया है, आदिनाथ परमात्मा की बहुत सारी बातें, फट्टा मार के सत्य, इतने बड़े बड़े चमत्कार गुरुदेव के मुख से सुने हैं। शुक्र को बलवान बनाना है, बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़ा बड़ा बंगला और इतना पैसा इसके लिए कमाना है कि आने वाले समय के अंदर अच्छा देरासर, उपासरय, गौशाला, भोजनशाला, हमारे साधर्मिक का उत्थान हो। शुक्र ग्रह गुरुदेव जो है, हाँ शुक्र ग्रह को जो है कैसे बलवान बनाए। तुला राशि वाले जितने भी जातक हैं वो सभी लोग, वृषभ राशि वाले जितने भी जातक हैं, 2025 में आप ये रेमेडी करो। जिनके पास एकदम ऐश्वर्य नहीं है, या तो जिनका बहुत बड़ा ऐश्वर्य था लेकिन करोड़ों रुपए का कर्जा करके आप नीचे आ गए हो, तो कैसे शुक्र को बलवान गुरुदेव बनाए और 2025 एकदम पावरफुल बनाए। कि हर व्यक्ति जो संसार में है वो भौतिक सुख का हाँ आकांक्षी है, जी गुरुदेव, तो भौतिक सुख उसको मिलता रहे। भौतिक सुख में शारीरिक सुख भी आ जाता है और दूसरे जो भी सुख हैं वो भी आ आ जाते हैं, जाते हैं जी गुरुदेव, पदार्थों का ये सारा सुख। और संसार में व्यक्ति है तो वो चाहता ही है, तो उसके लिए क्योंकि शुक्र ग्रह जो है वो सीधा उसका संपर्क हमारी धातुओं के साथ भी है। जी धातु में कहीं पर भी अगर गड़बड़ हो गई तो शरीर जो है हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब हो जाता है। तो शुक्र ग्रह की साधना के लिए हमारे यहाँ खासकर तो ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं ये पद दिया गया है, जी गुरुदेव, और 24 तीर्थंकरों में से सुविधिनाथ परमात्मा की आराधना करने से जी शुक्र ग्रह हमारे अनुकूल बन जाते हैं। सफेद पुष्प भी चढ़ा सकते हैं हाँ, सफेद पुष्प भी चढ़ा सकते हैं, जी। और कई ऐसे हमारे यहाँ मंत्र बताए गए हैं कि उन मंत्र का अगर जाप किया जाए, उस समय पर जाप किया जाए, उसकी संख्या बताई गई, उतनी जी संख्या में अगर जाप किया जाए बराबर, तो हो सकता है कि धीरे 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 आप उस शिखर तक पहुंच सकते हैं जो विस्फोटक आपको पुण्य। चाहिए। बिल्कुल, आपने अंदाजी अभी तक कितने ज्ञान भंडार को देखा होगा? काफी ज्ञान भंडारों को देखा है। अंदाज से पाटन का पाटन का पूरा हमने वहां रहकर कार्य किया है जी। काफी महीनों तक, एक मैं एक आपको ग्रंथों को। इसके लिए गुरुदेव का परिचय करा रहा हूँ कि गुरुदेव ये जितनी भी रेमेडी बता रहे हैं, लाखों पुस्तकों को अपनी आंखों के नीचे गुरुदेव ने पसार किया है। ये छोटी छोटी लगने वाली रेमेडी भी आपके जीवन में एक बड़ा विस्फोटक पुण्य का निर्माण करने वाले। पाटन के बाद दूसरा कोई ज्ञान भंडार में आप गए हो? हमारे यहाँ क्या है कि सबसे बड़े भंडार हैं पाटन का भंडार, जैसलमेर का भंडार, खंबात का भंडार, और भी जोधपुर का भंडार। ये सब तो हैं ही, लेकिन मुख्यतया जी जिन शासन के अंदर ये दो भंडार सबसे प्रचुर मात्रा में यहाँ पर हस्तलिखित प्राचीन साहित्य मिलते हैं, कौन तो सा? पाटन और जैसलमेर, दोनों जहाँ पर हजारों की तादाद में ग्रंथ हैं और सारे ग्रंथ जो है कई शताब्दियों पूर्व के हैं, जी तो उनको हमने एक एक पन्नों को हमने हाथ में लेकर देखा इस हुआ है। हाँ वो अवगाहन किया है, देखा है, तो कहीं उसमें जो कभी है। कभी आपको धन्यता फील होती है कि इतनी छोटी आपकी उम्र लग रही है, हाँ लेकिन जो बड़े बड़े इतने लंबे समय के गुरु भगवान को भी जो नहीं प्राप्त हुआ है, इतने सारे ग्रंथों को अपनी नजरों से पसार करना और एक गुरुदेव की लेगेंसी भी, इतना ये सब अनुभव। गुरुदेव की कृपा है, गुरुदेव की कृपा से ही वो सब देखने को मिला। बाकी हम तो कहाँ थे, तो हमें वहां तक पहुंचाने का अगर सबसे बड़ा उपकार किया गुरुदेव है की तो कौन सी गुरुदेव हित ही शिक्षा आपको याद आती है? क्योंकि आपने गुरुदेव। बहुत इनकी सेवा किया है। हाँ, बस गुरुदेव की तो निरंतर जो है हित शिक्षाएं याद आती है कि जीवन में आप सबसे पहले तो सरल बन जाओ वाह और दूसरा निर्दम्भ बनो। अपने जीवन में कभी कपट और दंभ को स्थान मत दो, आप जैसे हो वैसे ही रहो, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, ऐसा दिखावा उनको ना तो पसंद था और वो हमेशा हमें कहते थे आप जैसे। अगर आपके अंदर दो कमियां भी हैं तो वो भी सामने होनी चाहिए, जी, आप उसको ढकने का छुपाने का प्रयत्न करो, तो ये एक माया हो गई, दंभ हो गया, तो दंभ ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। तो ऐसी कई शिक्षाएं, और गुरुदेव जैसे हम जब पढ़ाई करते थे कुछ भी करते तो गुरुदेव कहते थे कि हमारे गुरुदेव वो कहते थे, मतलब उनके गुरुदेव उनको कहते थे कि भाई कागज पर मत लिखो, कलेजे पे लिखो। वाह, तो ऐसे कहीं जो टेगलाइन हैं, सुप्रद हाँ, है। तो बहुत उनके मार्मिक ऐसे वचन थे जो आज भी हमारे जीवन में काम आते हैं, और कहते थे कि बिल्कुल निरपेक्ष भाव से रहो। सरलता जितनी ज्यादा बरत हाँ, जितना सके। सही।
आखिरी जो हमारी दो तीन राशियां हैं जिनके बारे में डिटेल से गुरुदेव बता रहे हैं, शनि का नाम आते ही लोग हिल जाते हैं बराबर। तो जिसकी भी मकर राशि है, जिनकी भी कुंभ राशि है, और अभी कई सारी राशियों में शनि की पनौती 7.5 भी चल रही है, तो इंसान राजा में से रंक बन जाता है, इधर उधर भटकता रहता है, कभी कभी मिथ्यात्व का भी हमको सेवन करना पड़ता है। तो ऐसा गुरुदेव सरल प्रयोग, आज हजारों लोगों को शनि के दोष में, न्याय से नहीं चलोगे तो शनि आपको दंडित करने वाला है। तो शनि ग्रह की रेमेडी आप करते हुए लंबे समय, जिसको गैस की प्रॉब्लम है, जिसको वायु रहता है, जिसको बहुत सारी हड्डियों की प्रॉब्लम है, ये सारी शनि के आधार से आती है, तो शनि के लिए गुरुदेव क्या करें? शनि के लिए हमारे यहाँ जो आराधना बताई गई है, तो नमस्कार कल्प में जी ओम ह्रीम नमो लोय सब सामना, इसका ध्यान करना है। जी और साथ साथ में परमात्मा की जो आराधना करना है, उनका जो जाप करना है, उसमें मुनि सुव्रत स्वामी भगवान वो लाभदायी है। हाँ लाभदायी है। उनकी आराधना करने से कौन सा शनि पुष्प ग्रह चढ़ाए? अनुकूल रहते हैं। अब वैसे तो हम शनि को जो पुष्प चढ़ाते हैं, आजकल तो लोग गुलाब वगैरह पुष्प चढ़ाते चढ़ाते हैं हैं, लेकिन इसके लिए जो जासूद वगैरह का पुष्प है विशेष लाभदायक विशेष लाभदायी है। डबरे का, मरवे का जो भी पुष्प जो आता है, जिसके अंदर ग्रीन, ब्लैक, शनि, राहु, केतु आदि का भी संयोजन हो जाता है, तो शनि के लिए और बहुत, डमरा भी है, डमरा और भी, डमरा डमरा बहुत डमरा लाभदायी बहुत है। लाभकारी है। आजकल जो जमाने के अंदर जो खास करके नवे नव ग्रह के बारे में गुरुदेव इतना डिटेल से आपको बता रहे, हिमालय की यात्रा गुरुदेव कैसे रही आपकी? बहुत ही अच्छी थी, वहां हिमालय पर तो स्वर्ग आपने है। स्वर्ग है कहा, हाँ ज्यादा आपने मेडिटेशन किया कि औषधि विज्ञान को सीखा समझा क्या देखा? हाँ मेडिटेशन का ज़्यादा हमारा झुकाव रहा, औषधियों का भी हमने अवलोकन किया। तो उस तरफ की यात्रा में कई झरने होते हैं, नदियाँ साथ साथ में बह रही होती है, रास्ते के आसपास पहाड़ होते हैं, तो नदियों के बीच में जाकर वहाँ की जो शिला पर बैठकर रात रात भर तक चांदनी रात में जाप वगैरह ऐसा गुरुदेव ने कि अनुष्ठान हम किया? सब ने किए, और फिर बर्फीले पहाड़ों के बीच में जाकर वहाँ पर भी ध्यान साधना जो गुफाएं वगैरह होती थी, तो वहाँ जितना हो सका हमने उतना ध्यान हिमालय किया। की एक ऐसी कोई चमत्कारिक घटना जो आपने सोचा नहीं और ऐसा एकदम मिरेकल जो अभी तक आपको, कितने साल पहले आप गए थे हिमालय? काफी काफ़ी वर्षों पहले गए थे। सालों गुरुदेव हाँ की हाजिरी में शायद गए गुरुदेव, थे जी तो वहाँ पर एक घटना तो ये घटी थी कि गुरुदेव। अधिकतर वहाँ ऐसा होता है कि 6 महीने तक बद्रीनाथ के कपाट खुले होते हैं, दरवाजे 6 महीने बंद रहते हैं, क्योंकि 6 महीने वहाँ पर भीषण बर्फबारी होती है। तो उसमें वहाँ सिर्फ मिलिट्री वाले रहते हैं और बाकी सबको नीचे उतर जाना पड़ता है, जी तो पूरा बंद होता है, तो पूरा मिलिट्री का वहाँ पर राज शासन आ जाता है और किसी को वहाँ पर प्रवेश नहीं होता है। लेकिन एक वहाँ पर महिला थी, जी उसी को वहाँ पर प्रवेश था, जिनका नाम था भगवती माई। वो जब 7 साल की थी तब उनकी शादी हुई थी, और 12 साल की उम्र में वो विधवा हो गई। उसके बाद वो वहाँ बद्रीनाथ आ गए। बद्रीनाथ आने के बाद में किसी गुरु का संसर्ग, फिर वहाँ पर ही वो रहे, और उन्होंने जो ध्यान साधना वगैरह करते थे, जब हम गए गुरुदेव उस समय वहाँ पर उनकी उम्र 75 साल की थी। अब इतने सब मिलिट्री वाले जवानों के बीच में वो अकेली महिला, उसको ही परमिशन थी, जी और वो जब ध्यान में बैठती थी तो अलकनंदा नदी के बराबर किनारे पे किनारे पर एक जो शिला थी वहाँ पर वो शाम को ध्यान करने बैठती थी। पूरी रात भर वो ध्यान करती थी, और रात में जो भी बर्फबारी होती थी पूरी बर्फ से ढक जाती थी, जीवित जीवित। ओ हो और सुबह थोड़ा सा अपने को झटकार कर वो बाहर आती थी। हम देखा है कि उनके, क्योंकि बर्फ कितना ठंडा होता है और उसमें हमारी जो चमड़ियां हैं उसमें से खून चीरे पड़ जाते हैं, उसमें से जी खून नहीं, ऐसा पूरा उनका शरीर हो जाता था। लेकिन फिर भी वो इतनी जबरदस्त शादी का थी कि उन्हें उसका कोई प्रभाव महसूस नहीं होता था। और आपने अपनी आंखों से आंखों प्रत्यक्ष से उनके साथ वार्तालाप भी हुई, वो जो गुरुदेव ने अपनी हिमालय की पदयात्रा में भी उसका उल्लेख उल्लेख किया किया है। हुआ है, तो ऐसे विशिष्टतम साधक वहां ऐसे आसपास में विशिष्टतम साधक, दर्शन भी हुए, वार्तालाप भी हुआ, पूर्ण वार्तालाप भी हुआ, अनुभव भी आपके एक साथ हुए। वार्तालाप, क्योंकि हम जहाँ रहते थे तो वो जो हमारी धर्मशाला थी पूरी पैक थी, कांच पूरे लगे हुए थे,
और अंदर भी एक एक व्यक्ति को पांच पांच कंबल ओढ़कर रहना पड़ता था, इतनी भयंकर ठंड। उसमें एक दिन हमारे गुरुदेव ने कांच के बाहर से देखा तो एक बाबा जी कुछ भी उन्होंने पहना हुआ नहीं है, सिर्फ एक टाट इतना सा लंगोट की तरह पहना और आराम से वो इधर बर्फबारी हो रही और आराम से जा रहे हैं। तो गुरुदेव को प्रश्न हुआ कि अपन अंदर भी पांच पांच कंबल ओढ़कर बैठे हुए हैं और इतनी ठंड से जूझ रहे हैं और वो आराम से चले जा रहे हैं, उनको जैसे इसका कोई प्रभाव ही महसूस नहीं हो रहा है। वो सीधा वहां पर जाते हैं, वो बाबा जी से पूछते हैं कि बाबा जी एक प्रश्न है कि हम अंदर होते हुए भी हमें इतनी ठंड लग रही है, इतना पहना हुआ है फिर भी इतनी ठंड है, और आप आराम से कुछ भी पहना हुआ नहीं है और जा रहे हैं। तो उस बाबा जी ने कहा कि बच्चे मुझे ये बताओ कि चोर कहाँ आता है, चोर किसके यहाँ जाता है। तो गुरुदेव ने कहा जिसके पास धन होता है उसके पास चोर जाता है चोरी करने के लिए। तो बस बेटा ठंड भी कहाँ आती है, जिसके पास ज्यादा कपड़े होते हैं उसके पास उसके पास ठंड आती है, ऐसा जिसके पास कपड़े ही नहीं उसके पास ठंड कैसे है आएगी, क्या जी, लेने आएगी। तो कहने का मतलब ऐसे ऐसे साधक वहां पर हैं, वहाँ पर तो है बहुत सारे साधक। इसलिए हमारे चातुर्मास तो गिरनार में भी हुए, इधर भी हुए, हिमालय में, हिमाचल की तरफ भी अभी 4 वर्ष पूर्व हम जाकर आए तो वहां पर बौद्ध लामा है, वो भी जो साधना करते हैं उनकी साधना पद्धति को भी हमने देखा। हिमालय में इस तरफ साधु संन्यासी वगैरह हैं उत्तराखंड की तरफ, तो उनकी भी उनको भी हमने सब देखा। उनको भी देखा। तो ऐसे बहुत सारे हमें अनुभव हुए। मंत्र यंत्र तंत्र का जीवन के अंदर प्रतिपल अनुभव होता है और उनको समझने के लिए खास करके अगोचर विश्व का राजा राहु को माना जाता है। राहु और केतु दो ऐसे छाया ग्रह हैं कि जो जीवन के अंदर दिखते नहीं है लेकिन बहुत सारे बदलाव लाते हैं। तो जिनको राहु की 12वें में राहु है तो राहु की क्या ऐसी आराधना करें जो शेयर बाजार का है, जिसको इजी मनी, अभी छोटे छोटे बच्चे को भी हजारों करोड़ लाखों करोड़ कमाना है। और ऐसी ऐसी घटना सामने आती है कि सूरत के अंदर 200 एकड़ में जिसका बंगला था गुरुदेव, और 28 साल का बच्चे ने सुसाइड कर लिया। तो पैसा को कोई कमी नहीं है लेकिन राहु को कैसे बैलेंस करें। दूसरे नंबर में चारों तरफ ड्रग्स का, नशा का अलग अलग व्यापार भी बढ़ गया है और कुछ लोग उसका सेवन करने लग गए हैं। तो उनके परिवारजन चाहते हैं कि ये गंदी आदतों से छूटे, तो राहु की ऐसी कौन सी आदत करे, कौन सी ऐसी साधना करे कि जिससे उनका जीवन थोड़ा सा बैलेंस हो। देखिए मंत्र जाप में तो हमारे यहाँ ओम रीम नमो लोय सर्वसाहूणम और जी साथ साथ में नेमिनाथ परमात्मा का जाप बताया गया है। जी गुरुदेव नेमिनाथ परमात्मा राहु ग्रह को शांत करने में बहुत ही लाभ भी करते हैं। लाभ देते हैं। और आज देखिए वर्तमान में गिरनार का महत्व बढ़ता चला जा रहा है बहुत बढ़ गया और जो आज की हमारी युवा पीढ़ी है वो आकर्षित हो रही है। जी गुरुदेव, तो जिन युवाओं को इन सारी चीजों से दूर होना है उनको कहाँ का रास्ता पकड़ना है, गिरनार गिरनार का रास्ता जी पकड़ना है, नेमिनाथ परमात्मा, क्योंकि वो भी कुमार अवस्था में उन्होंने अपना सब कुछ त्यागा। जी तो युवा वर्ग जो है उसको अपनी ये सारी जो व्यसन है जी उनको दूर करना हो भक्ति तो नेमिनाथ परमात्मा का अगर वो आश्रय ले लें, उनकी भक्ति करें, तो वो अपने उन सारे चीजों से दूर हो सकते हैं। मन को भी अगर संतुलित कर रखना है तो उसके लिए भी नेमिनाथ परमात्मा की आराधना करें, विशेष हाँ लाभदायक। विशेष लाभदायी है। जिनकी जन्म तारीख 7 तारीख है, जिनकी जन्म तारीख 16 तारीख है, या जिनकी जन्म तारीख 25 है, जिनका मूलांक 7 बनता है और 7 नंबर का अधिष्ठायक केतु ग्रह है। केतु ऐसा एक ग्रह है, केतु एक ऐसा छाया ग्रह है कि जो नहीं दिखने वाली चीजों को भी जान लेता है। पार्श्वनाथ परमात्मा का परम सेवक, अंतिम गुरुदेव, 9वां ग्रह। ऐसा बताया कि जिनको ऑपरेशन कराना है इस चीज को भी केतु की महादशा जैसे ही स्टार्ट हो जाती है कष्ट पीड़ा बढ़ जाता है। तो केतु में क्या करें, केतु के लिए कौन सी ऐसी आराधना करें जिससे कुंडली के केतु ग्रह की सारी दशाएं, सारी पीड़ाएं खत्म हो जाए। बस नौकार मंत्र के जाप में तो ओम रीम नमो लोय सर्वसाहूणम ही है और इसमें हमारे जो सबके आराध्य जी पार्श्वनाथ परमात्मा का अगर हम ध्यान करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तो केतु ग्रह हमारे लिए अनुकूल हो जाता है। तो पार्श्वनाथ परमात्मा के कई मंत्र हैं, उसमें भी जैसा आपने कहा उसमें छोटा सा मंत्र है ओम पार्श्वनाथाय रीम। करीम हाँ ये जो मंत्र है इसका एक प्रभाव भी बताया है, जी जो एक किताब है वेरना वमणमा
उसमें बताया है कि इस मंत्र के, ये चिंतामणि मंत्र है, इस अच्छा मंत्र के प्रभाव से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। किसी कारणवश आप पूर्व में तो बहुत मतलब उन्नति के शिखर पर थे, धीरे जी धीरे धीरे आप नीचे की ओर जाने लगे, तो फिर से अगर आपको वही वैभव चाहिए, वही प्रतिष्ठा मान सम्मान चाहिए, तो इस मंत्र का जाप करें। नवनिधि वगैरह आपको अगर चाहिए तो उसके लिए इस मंत्र, छोटा सा मंत्र है लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही अधिक बताया है। बराबर है। तो ये सारी चीजों के लिए ये पार्षद परमात्मा बहुत ही उत्तम है, पार्षद परमात्मा की आराधना विशेष फलदायी। तो आपने विशेष। डिटेल से 2025 का संपूर्ण राशि भविष्य को देखा, मंत्र साधना को देखा, तंत्र के बारे में देखा, यंत्र के बारे में देखा। आखिरी गुरुदेव, सभी भक्त हमारे लाखों दर्शक आपसे विनती कर रहे हैं कि जीवन बैलेंस युक्त चले, क्योंकि 9 नंबर आ रहा है। 2025 का टोटल करें तो 9 नंबर आ रहा है। तो आपका आखिरी संदेश आप सभी दर्शकों को सरलता सहजता क्या देना चाहते हैं, जिससे अपने जीवन में गुणों का विकास करें? मेरा तो यही संदेश है कि हमारा जीवन हमारे लिए भी उपकारी रहे और अन्यों के लिए भी उपकारी बने। ऐसा अगर हम जीवन जिएंगे, ऐसी अगर हमारी भावना रखेंगे, कभी कभी क्या होता है, हम ज़्यादा स्वार्थी बन जाते हैं ना, जी तो जीवन में समस्या बढ़ खड़ी जाती होती है। जब व्यक्ति परोपकार की भावना रखता है तो अपने आप ही स्वतः ही उसके जीवन में भी वो अच्छी भावना का प्रभाव पड़ने लगता है। तो जैसा हम अपने लिए सोचते हैं वैसा ही दूसरे के लिए सोचें, ठीक हो गया। अपने लिए अच्छा सोचते हैं तो दूसरे के लिए भी अच्छा सोचें। तो मेरी तो यही सबसे खास एक आग्रह है जी कि 2025 का जो साल आ रहा है तो वो अखंड अंक का बन रहा है साल है, तो उसमें हमारी ऐसी अखंड भावना हो, जी। जैसे अखंड भारत बनाने के लिए चले हैं हाँ, वैसे ही हमारे अखंड विचारधारा ऐसी बने जिसमें लोगों का कल्याण हो, कल्याण हो वही निहित हो उसमें। जी। दूसरे के बारे में सोचेंगे अपने ही, जैसा कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा हम दूसरों के बारे में सोचेंगे वैसा हमें प्राप्त होगा। तो हम हर व्यक्ति के लिए अच्छा सोचें, परोपकार की भावना हमारे मन में आए, मेरा भी कल्याण हो, अन्य का भी कल्याण हो, मेरे द्वारा कोई ऐसी प्रवृत्ति ना हो जिससे सामने वाले का अहित हो, उसका हमें खास ध्यान रखना है। अगर ये भावना हमारे मन में रही तो निश्चित तौर पर ये वाला आगामी जो वर्ष है वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायी होगा, वो स्वपर का कल्याण करने वाला करने होगा वाला होगा। और परमात्मा का विशेष अनुग्रह हमें प्राप्त होगा, क्योंकि परमात्मा की भी यही चाहना यही थी, चाहना थी। जैसा मुझे प्राप्त हुआ है वैसा समस्त जीवों को प्राप्त हो। बहुत बढ़िया। तो बस यही भावना को आगे बढ़ाते हुए अगर हम चलेंगे तो निश्चित तौर पर हम सबका कल्याण होगा। गुरुदेव ने इतना बड़ा टाइम दिया है, बहुत ही डिटेल से सारे सवाल, सारे प्रश्न, सारे मुंझे हुए, डूबे हुए, टेंशन में हुए व्यक्ति को कैसे नवग्रह की आराधना बहुत बड़े खुशियां देने वाली है। तो बार बार इस वीडियो को देखते रहिए, इसमें बताई गई साधना को करते रहिए और गुरुदेव के सतत संपर्क में रहिए। जीवन में अवश्य में बड़ी सिद्धि, बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली है। खास करके गुरुदेव ने ये खास यंत्र तैयार किए। गुरुदेव, ये यंत्र कब बनाया आपने? ये कल पुष्य नक्षत्र था, तो पुष्य क्या है कि यंत्रों को बनाने का भी एक समय निश्चित होता है कि उस समय पर उसको बनाया जाता है, तो उसका वो एक प्रभाव होता अलग है, ही दिखता है। हाँ अलग ही दिखता है। क्योंकि शास्त्र के अंदर ये सारे मंत्र यंत्र तंत्र के काल वगैरह निश्चित किए गए हैं, उस काल पर वो क्रिया हो तो ही वो फलदायी होती है। जैसे औषधियों का हमारे यहाँ प्रयोग बताया गया, उन औषधियों का प्रयोग करते हैं तो औषधियों का हमारे यहाँ कल्प भी बताया गया है, लेकिन वो औषधि कब लाई जाए, किस समय पर लाई जाए, उसको कैसे लाई जाए, वो सारी प्रक्रिया शास्त्र में बताएगी। आज जैसे कहते हैं ना कि पहले आयुर्वेद लोगों के लिए बहुत ही तुरंत फलदायी होता था, इधर वैद्य ने औषधि दी उधर काम हो गया, और जी आज ऐसा है कि व्यक्ति आयुर्वेदिक औषधि लेकर तो आता है लेकिन जो औषधि एलोपैथी तुरंत काम करती वो आयुर्वेदिक औषधि काम नहीं करती, जी इसलिए लोगों का विश्वास उठता चला गया। जी वो विश्वास उठने का कारण भी ये है कि उसको विधिवत नहीं लाया जाता है। बहुत अगर विधिवत लाया जाए तो उसका प्रभाव आज भी प्राप्त होता है। ये यंत्र किसके बनाए गुरुदेव? तो ये सारे यंत्र जो बनाए हैं कली खास कर तो समृद्धि के जो लिए।
आज एक हर व्यक्ति की अपनी अपनी समस्या है। तो कई व्यक्ति गुरुदेव के पास आते हैं, वो कहते हैं कि गुरुदेव अभी ये समस्या चल रही है। वैसे तो गुरुदेव जाप में ही होते हैं, सूर्य मंत्र का जाप, उनका आराधना साधना चल रही है, साथ साथ में ये पूरा ज्ञान का कार्य चल रहा संशोधन का उनका कार्य वगैरह चल रहा है। लेकिन ऐसे कई जब दिन आते हैं तो उन दिनों में जो लोगों की कुछ समस्याएं होती हैं तो उसका निवारण करने के लिए गुरुदेव ने जो भी शास्त्रों के अंदर से या गुरु परंपरा से जो यंत्रों वगैरह के बारे में जाना है उस यंत्र को उस दिन वो तैयार करवाते हैं कि कम से कम लोगों का भला हो। भला हो वो देने से उसके जीवन में प्रभाव पड़ता है, उसके काम सात बहुत आस ही आसानी से हो जाते हैं। आसानी तो जैसे व्यापार है, जी हाँ व्यापार है, संतान योग है, रोग है, ये सारे जो जो आज की जो समस्याएं, समस्याएं हैं। आधुनिक समस्या, उन समस्याओं का निवारण करने के लिए ये यंत्र बनाए गए हैं। तो आप सभी लोग भी ये सारी चीजों का लाभ उठा सकते हैं, जीवन के अंदर मंगल कर सकते हैं। आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को कमेंट में लिखिए। आने वाले 2-3 महीने में वापस गुरुदेव आएंगे, आपके सारे सवालों को जवाब देते हुए। समृद्ध जिन शासन बने, स्वस्थ जिन शासन बने और प्रत्येक व्यक्ति खुश रहे, यही भावधारा के साथ में सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार।